देख रहे हैं एक पटरा है, काठ का ये चार छेद की है, छह छेद। तो यहाँ पे जो स्विच बोर्ड है, पावर बोर्ड, उसको बैठाएंगे यहाँ पे, ये देख रहे हैं। और बैठा करके, और ये देखिए एमसीबी का जो नीचे का प्लेट है, वैसे वहाँ पे जहाँ पे फिट करने जा रहे हैं एक बोर्डिंग है मोटर का, वहाँ तो ये लग नहीं सकता है। और ये एमसीबी ट्यूब है, ये देख रहे हैं बॉक्स जो है, तो फिर भी बना लेते हैं ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो। और ये देख लीजिए पावर प्लग, पावर बोर्ड है जो 20 एम्पियर का है, ये देख रहे हैं। इंडिकेटर, फ्यूज और स्विच है, तो ये ऐसे फिटिंग होगा दोस्तों। और ये देखिए दो एमसीबी है, ये 3 पिन टॉप 16 एम्पियर, और ये एमसीबी है 16 एम्पियर का है, और देख रहे हैं 16 एम्पियर का है। और ये 10 KV तो ऐसे हर चीज़ पे लिखा रहता है, तो देखिए ये देखिए एक ये 10 एम्पियर है और एक 16 एम्पियर है, देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये वायर है जो 1.5 mm वायर है, तो बहुत बढ़िया फिटिंग होने वाला है। ये देख एक होल्डर है, प्लेन होल्डर, और ये एक बेड स्विच है जो वहाँ पे लगाएंगे बल्ब जोड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो और ये देखिए एक दूसरा पावर बोर्ड छोटा सा बना रहे हैं जो 6 एम्पियर के लिए कह रहे हैं, प्रेस वरेस के लिए। तो ये देखिए इसी के साथ ये पावर बोर्ड, ये देख रहे हैं ये फेज के लिए दोस्तों। हमेशा जो दाहिने हाथ होता है ना, दाहिने हाथ, उसमें फेज का कनेक्शन होना चाहिए। ये देख रहे हैं ये जो मेन बोर्ड का जो पावर है, तो दोस्तों ये देख रहे हैं 2 पिन प्लग है, लेकिन इसमें 3 पिन प्लग लगाएंगे। और ये 3 पिन प्लग देख लीजिए, तो ये मोटर के लिए है दोस्तों, देख रहे हैं 16 एम्पियर न्यूट्रलर फेज। दोस्तों हर चीज़ डिजाइन किया गया है इंजीनियर के थ्रू, और ये अर्थ के लिए देख ले 16 एम्पियर 220 वोल्ट। तो दोस्तों वो हमेशा राइट साइड जो होता है जो फेज ही आना चाहिए, और बाएं साइड अर्थ यानी न्यूट्रल। और ये देखिए कनेक्शन कुछ इस तरह से है, देख रहे हैं ये फ्यूज के लिए है, और फ्यूज से यहाँ पे आएगा स्विच में, और स्विच से ऐसे दाहिने साइड, और ये इंडिकेटर का तार यहाँ जुड़ेगा दोस्तों। ये देख रहे हैं एल और एन है, यानी लाइन और न्यूट्रल। तो ये देख लीजिए इस तरफ से, ठीक है। तो और ये 3 पिन सॉकेट है 16 एम्पियर और 20 एम्पियर पावर बोर्ड। तो दोस्तों आज हम आपको मोटर फिटिंग दिखाएंगे कि कैसे मोटर फिटिंग होता है, और मोटर स्टार्ट करके दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है। और वो देख रहे हैं वहाँ पे वहाँ से कनेक्शन आएगा, यहाँ से कनेक्शन आएगा, और फिर यहाँ मोटर लगाएंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं दोस्तों सेक्शन पाइप, और ये ट्यूबवेल का बोर है, बोरिंग, और यहाँ पे मोटर फिट किए हैं दोस्तों। तो ये देख रहे हैं जो प्लम्बर एमसीले लगा के ये दोनों चीज का सेक्शन और मेन ऊपर का जो टुल्लू बैंड है, तो उसे फिट किए हैं, बहुत मशक्क़त से फिट हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे देख लीजिए फिट करके पूरा, दोस्तों खेतों में है इसलिए पूरा वीडियो नहीं बना पाए हैं, स्टैंड नहीं लाए, स्टैंड घर भूल गए हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ये देख लीजिए यहाँ पे एमसीबी लगेगा, तो ये पुराना जो सरकारी बोर्ड है वो दिया हुआ है, तो इसे हटा करके कनेक्शन करेंगे। और ये देख रहे हैं इसमें लाइट नहीं है, तो फिलहाल लाइट के लिए बंदोबस्त करते हैं। तो देख रहे हैं कि जो लाइट कहाँ से गड़बड़ हुआ है, तो लाइट कनेक्शन का चेक कर रहे हैं कि कहाँ से लाइट कनेक्शन गड़बड़ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वो देख रहे हैं वहाँ पे जो ट्रांसफार्म लगा हुआ है, ये देख रहे हैं वहीं से कनेक्शन आ रहा है, तो जाके ट्रांसफार्म पर चेक किया हमने, तो वहाँ से गड़बड़ तो कुछ है नहीं, वहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो जो पोल पर स्पेशल जो पोल पर चढ़ने वाला होता है जो आदमी, तो उसे बुला रखे हैं और वो आए। तो दोस्तों ये देख रहे हैं
पोल पर चढ़ा करके और पोल का जो वायर है वो सही करवा रहे हैं। अब दोस्तों ये देखिए ऊपर से तार मतलब ढीला है, तो तार सही कर रहे हैं, ये स्पेशल पोलिंग का काम करते हैं ये सब, और दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो ये देखिए पोलिंग का काम करके अब उतर रहे हैं धीरे धीरे, अब कनेक्शन सही हो चुका है दोस्तों। तो अब ये देख लीजिए, ये कनेक्शन हमने किया है इसका बोर्ड का, जो पावर बोर्ड है ये देख रहे हैं कनेक्शन। दोस्तों आप अगर वीडियो देख करके आप करना चाहते हैं, देख रहे हैं, तो आप स्किप करके आप कनेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए एक में 10 एम्पियर है, एक में 16 एम्पियर। तो मोटर को हम ट्रायल करेंगे दोस्तों कि अगर ये सक्सेस है नहीं, 16 एम्पियर तो सक्सेस है पर 10 एम्पियर स्टार्टिंग प्रॉब्लम में दिक्कत करेगा। तो अगर नहीं चल पाएगा दोस्तों तो इसे हम दूसरा नया लगा देंगे, जो 32 एम्पियर का होता है वही लगा देंगे टू फेज में, तो बढ़िया रहेगा दोस्तों इसके लिए। ये देख रहे हैं जो सरकारी जो स्विच दिया हुआ था इसको भी कनेक्शन कर दिए हैं, ताकि बढ़िया रहेगा, कभी ज़रूरत पड़े तो इसमें जोड़ करके काम चला सकते हैं। और ये देखिए इसमें, ये देखिए ये 16 एम्पियर है, बी 16 और ये बी 10, तो दोस्तों दोनों मिलाकर के 26 एम्पियर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं मीटर में। तो देख रहे हैं कनेक्शन पूरा कर दिए हैं, और ये एक होल्डर है और ये बेड स्विच है, जो यहाँ पे रात को अगर कभी यहाँ पे रहें तो यहाँ से चालू करके और लाइन दे करके अपना बल्ब जला सकते हैं। इंडिकेट का भी काम करता है दोस्तों, ताकि दूर रहें तो आप इसे जला करके देख सकते हैं। ठीक है, और ये पावर बोर्ड है, MCB है दोस्तों। तो आइए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, और इतना मेहनत से खेतों में वीडियो बना रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने दोस्त में शेयर कर दें। तो दोस्तों ये देखिए मोटर चालू हो चुका है, जो हम बता रहे थे MCB नहीं काम करे, तो एक MCB जो 10 एम्पियर है मोटर स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे दोनों 16 का ही लगा देंगे। देखिए अगर आप MCB नहीं लगाते हैं तो सावधानी और सेफ्टी आपके साथ नहीं होता है दोस्तों, तो आप सावधानी से काम करें। ये इलेक्ट्रिक है, MCB लगाना ज़रूरी है, देखिए हमने चेक किया है। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट है और 16 एम्पियर इसे ऑन कर रहा है दोस्तों। तो आप कभी भी चलाएं तो बिना MCB का मोटर ना चलाएं, 2 HP मोटर है, और 2 HP सॉरी दोस्तों 3.2 HP मोटर है, तो बहुत ही अच्छा पानी भी देगा, प्रेशर भी ठीक है। तो इसे हम MCB चेंज कर देंगे कल, आज तो टाइम नहीं है दोस्तों। ये देख रहे हैं और बढ़िया चल रहा है। तो आइए अब देखते हैं पूरा कनेक्शन बोरिंग का। तो ये देखिए दोस्तों अभी पूरा फिटिंग करके देखिए बहुत ही बढ़िया प्रेशर भी है, और इसका हमने MCB भी चेंज कर दिया है दोस्तों। तो आज से ये ट्यूबवेल चालू हो चुका है, आइए हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए इसका MCB भी चेंज कर दिए हैं, ये देख रहे हैं दोस्तों 32 एम्पियर का टू पोल का लगा दिए हैं। और ये देखिए ये बेड स्विच से ये जल रहा है बल्ब। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।